ये है आर्ट्स काउंसिल के बाहर का सीन। अभी जा रहे हैं मजार कायद। बैठ से जितना देखने में काम एंड क्वाइट लग रहा था, अंदर से इतना ही मतलब को इस गैलरी का छत नजर आ रहा है ना, तो ये साथ किन ने खुद वो डिजाइन किया ना, उन्होंने खुद बनाया। तो कराची आ चुके तीन से लोग आए हैं, पंजाब से, केपी से। इधर में घूम रहे हैं और मेन बाजार में आया। Bhai Jamalo Bhai Jamalo ढाई बज रहे हैं और अजान नमाज के लिए नहीं जा रहा है यार। जा रहा हूँ नमाज के लिए, अभी बस ये वीडियो बना लूँ, व्लॉग कंप्लीट कर लूँ, फिर नमाज के लिए जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने इंटरचेंज पे उतरे हैं और 20-25 घंटे का सफ़र है, तो इंटरेस्टिंग होगा ऑब्वियसली, तो देखते हैं। अच्छा जीशान क्या बोलोगे? सही हो गया, सही था। क्या बोला? टी वाज नॉट फैंटास्टिक। ऐसे तो नहीं होता है। देखो ब्लॉग ना करके आखा दा यखचाल कुलो का और शंकर कुलो का सुनाए करे द कुलो बनाए सदी पानी नशायो तो शुक बनाए नशा सन वतन। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी शाम के तकरीबन 4:30 बज रहे हैं और हम लोगों ने दिन को जब स्टे किया था उसके बाद बस फिर बस में सो गए थे, थोड़ा बहुत इन्जॉय भी किया। तो अभी हम सियाल के इलाके के करीब हैं और यहाँ पर नमाज के लिए रुके हैं, शाम की चाय के लिए रुके हैं और चाय शाय पीते हैं। ठीक है, ठीक है, समरिया। ये बंदा जो है म्यूज़िक सुन रहा है, इसको म्यूज़िक सुनने देते हैं और देखते हैं अगर कोई चीज़ खाने के लिए अच्छी है यहाँ पर तो खाते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो ठंड तो यहाँ पर बहुत है, हम लोगों को कहा गया था कि कराची में इतनी ठंड नहीं है, तो लाइट्स शर्ट्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें लेकर आए, लेकिन यहाँ पर जो है ठंड बहुत है। अभी पंजाब है, पंजाब का एंड तो नहीं है, खैर दरमियान ही है। 1100-1200 किलोमीटर का सफ़र अभी रहता है, इसको ट्रैवल करना है। बंदा चाय के लिए बुला रहे हैं, अगर फ्री में देते हैं तो हम जाते हैं। यार इतनी बेकार थी, अभी भी मेरा जुबान चल रही है। तो असल में पहले जब हम पहले स्टे करने के लिए रुके थे तो इसने पहले चाय पी ली है और वो मतलब बकवास ही चाय थी, मज़े की नहीं थी। तो अब ये पछता रहा है कि इसने चाय क्यों पी, लेकिन आई वाज अ जीनियस पर्सन, मैंने चाय नहीं पी, मुझे पता था कि अच्छी नहीं होगी। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। Oh,
अभी मगरब का टाइम है और हम लोग उतरे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, मगरब की नमाज़ के लिए। टाइम थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन नमाज़ पढ़नी है। अभी तकरीबन रात के 10:45 बज रहे हैं और हम लोग बस शॉर्ट से स्टे के लिए, 2-3 मिनट के स्टे के लिए रुके हैं। एक एडवाइस दूंगा कि आप जब भी इतने लंबे ट्रैवल के लिए आएँ लाजमी अपने साथ पावर बैंक लेकर आएँ, बिकॉज़ अभी हम लोग जो है चार्जिंग के लिए ख्वार हो रहे हैं, हमारी चार्जिंग ज़ीरो हो गई है मोबाइल्स में। अभी रात के 12 बज रहे हैं और हम लोग आके रुके हैं सखर में। सीन इस तरह है कि नींद से उठे हैं। सखर मिसवात और वजवाड़ का होटल है। अगर दिन के टाइम आते तो ऑब्वियसली थोड़ी जगह भी नज़र आ जाती, लेकिन खैर मोटरवे पे ऐसा इतनी चीज़ें नज़र नहीं आती। लेकिन ये है कि देखते हैं, भूख से मजबूर जिसान सूखी रोटी खाने पर मजबूर हो गया। क्या कहना चाहोगे आपने मजबूर कराया यार? हमने कहा मजबूर किया, खाना तुमने खाना था, हमने तो नहीं खाना था। तो अभी रात के 3 बज रहे हैं और ऐसे ही हम लोग बाहर निकल आए हैं। थोड़ी देर गाड़ी रुकी थी तो ड्राइवर वेंट आउट और हम लोग बस ऐसे ही बाहर निकल आए हैं। शदीद ठंड है और अभी हम दादू में हैदराबाद के करीब हैं और इंशाल्लाह सुबह मॉर्निंग तक हम कराची पहुंच जाएंगे। तो फाइनली वी हैव रीच्ड कराची। रास्ते में वी हैव सीन मेनी ऑफ द मोनूमेंट्स, मज़ार कायद देखा है, विक्टोरिया मार्केट देखी है, एंड मूविंग ऑल अक्रॉस इन बिटवीन द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी ऑफ द कराची। लेकिन उसके बाद कोई यूनिक चीज़ नहीं देखी है अभी तक जितना कराची देखा है मैंने तो। उससे तो की साफानी बाजार भी अच्छा है। अच्छा, मैं और एक्सपेक्ट करूँ। अच्छा, तो वट एवर जो भी था, कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, कुछ बुरी चीज़ें भी थी, बट ये है कि वी आर इन सदर राइट नाउ एंड लेट्स सी वेयर वी गोना मूव आफ्टर दिस। लेट्स सी, स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली इतना ट्रैवल करने के बाद यू गाइस हैव रीच्ड Karachi from Peshawar, so what are you expecting now and let's see. मेहमान नवाजी, वो तो हमारी मशहूर है। तो अभी हम लोग कराची सदर में घूम रहे हैं और दरिया भाई निकले हैं हमारे साथ। मोबाइल से ही हाथ धोना पड़े। ये वलीद भाई मेरे साथ है। वलीद भाई है, नाम में क्यों भूल जाता हूँ, जहरियाब भाई है। याद रखो ना। अच्छा, अब मैं याद रखूँ। तो बताए जहरियाब भाई, आप मुझे ऑफ द कैमरा क्या कह रहे थे कि मोबाइल की हिफाजत करूँ? फिर आपका व्लॉग बढ़ जाएगा। बिल्कुल, अब जैसे यहाँ पे जा रहे हैं मोटरसाइकिल वगैरह और ये ना ब्लॉग बनाते बनाते अपना मोबाइल स्नैच हो जाए। तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने और शाम को कल्चर नाइट में। हाँ बिल्कुल, कल्चर नाइट में, जो कि मेन इवेंट है जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो लेट्स सी, अल्लाह हाफिज़। सो करेंटली आई एम सिटिंग एट सदर और नाश्ता करने के लिए बाहर निकले हैं और अभी फ्राइडे है और तकरीबन दिन के 11-12 बजे का टाइम है और यहाँ अभी हमने नाश्ता करके आए थे सदर में और अभी हम लोग बस घूम रहे हैं इधर उधर होटल में। अजीब लोग इधर यार, क्या बंदा यार बिल्कुल लोगों के पास करने के लिए काम है, हमारे पास काम कोई नहीं है। हम बस इसकी एक खासियत बता दूँ कि ये अभी बोल रहा था कि पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं, ना डेटा था ना, वरना वैसे ही हॉस्टल में भी फारिग बैठा हुआ था, वहाँ पर नहीं पढ़ता, यहाँ पर पढ़ रहा था। तो ये बस फ्लोर है, थीटा है, यार किधर थीटा होगा, थीटा होगा तो तुम्हारे साथ इधर फार ना हो। रूम में चेक इन कर लिया और हालात ये हैं कि हॉफ स्लीव्स पहनी हुई हैं और रूम में इतनी गर्मी है कि पंखे वगैरह भी लगे होंगे। गर्मी है कराची में, फील हो रहा है। तो ये हम आगे बाहर लॉबी में, पीछे लॉबी है और
अभी थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं क्योंकि इवेंट हमारा शाम को है, शाम को इवेंट के लिए जाएंगे एंड देन वी विल सी व्हाट्स गोना हैपन। जिशान है और अब्दुल्ला भाई हैं सेकंड ईयर के, तो वो कमरे में रेस्ट कर रहे हैं एंड आई जस्ट केम आउटसाइड द रूम टू जस्ट रोम अराउंड इन द होटल। देखते हैं क्या नज़र आता है हमें। तो ये सीन है भाई, और इस वक्त जो खाने की खुशबू आ रही है ना, तो ये मेरा रूम है, ये निशान लगा हुआ है मोबाइल के साथ, और ये 1880s का एक टीवी भी पड़ा हुआ है। जुमे की नमाज पढ़ी है और वी आर आई एम गोइंग बैक टू द होटल। मेरे साथ निशान लोग भी थे लेकिन बिकॉज ऑफ देयर ओन रीजंस वो नमाज के लिए नहीं आ सके, तो आई वॉज हेयर टू हैव माई प्रेयर। जुमे की नमाज पढ़ी है पीछे ही हमारे होटल के पीछे ही एक मस्जिद थी। हम लोग अभी घूम रहे हैं सदर में और ये निशान मेरे पीछे है, और हम लोगों को उन्होंने बेसिकली मना किया था बाहर निकलने से, लेकिन हम लोगों ने भी बाज नहीं आना था अपने कामों से, और थोड़ा बहुत तो शुगर लगाना ज़रूरी है ना, तो हम लोग बस बाहर निकले हैं और मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? होटल के करीब ही जो आमने सामने एरियाज हैं वहाँ पर, मतलब बस फूड सदर है तो घूम रहे हैं, देख रहे हैं क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो आप ने रटे से वो तो पास करवाया मेरी तरह इंटेलिजेंट। हाँ भाई मैंने रटे से पास करवाया, मेरे पास तो नॉलेज ही नहीं है। ठीक, ये अपनी दो नंबर शॉपिंग स्किल्स के साथ इधर फजूल की बार्गेन करेगा। तो इसके शूज़ देखने देते हैं तब तक हम बाहर का चक्कर लगाते हैं। तो ये शॉप के बाहर का सीन है, तरफ भी शॉप्स हैं सारी, उस तरफ भी शॉप्स हैं, मतलब सारा शॉप से भरा हुआ है और छोटी छोटी कंजेस्टेड शॉप्स। निशान के कहने के मुताबिक यहाँ पे शॉप्स बहुत महंगी हैं और यहाँ से लेने का कुछ फ़ायदा नहीं है, तो वो लोग जो कहते हैं कराची में चीज़ें सस्ती होती हैं, प्लीज़ डू लेट अस नो कि वो कहाँ से सस्ती मिलती हैं और किस जगह से मिलती हैं, ताकि हम वहाँ से जाके परचेज़ कर सकें। हम सब अभी रेडी हो गए एंड नाउ वी आर लिविंग फॉर द कल्चर नाइट्स। अभी यहाँ पर हो रहा है फोटो सेशन, और फोटो सेशन के बाद जाना है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद मी। अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए, वी आर वेटिंग फॉर आवर ट्रांसपोर्ट टू कम, सो थैंक यू। सो द ट्रांसपोर्ट हैज बीन रीच्ड, सो वी आर जस्ट कराची टीम, बेस्ट ऑफ लक टू यू, थैंक यू। सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू गो देयर, लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन।